Next question. Question says a smooth wedge A is fitted in a chamber hanging from a fixed ceiling uh, near the surface. A block B is placed on top of the wedge uh, and it takes time t to slide down the length of the wedge. इफ द ब्लॉक इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द वेज एंड द केबल सपोर्टिंग द चैम्बर इज ब्रोकन एट द सेम इंस्टेंस अब हमें बताना उस केस में क्या होगा ब्लॉक विल पहला ऑप्शन है टेक अ लॉन्गर टाइम दैन टी टू स्लाइड डाउन द वेज या फिर टेक्स टाइम शॉर्टर दैन टी टू स्लाइड डाउन द वेज रिमेन्स एट टॉप ऑफ द वेज या फिर जंप ऑफ द वेज ना कॉन्सेपचुअल अच्छा सवाल है तो सैनैरियो ये है कि आपका uh, ऐसे कह लेते हैं कि यह आपके लिफ्ट है और लेट से इस लिफ्ट में यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना हुआ है उसके ऊपर आपका ये वेज रखा है ऊपर से नीचे आने में इसको टाइम टी लगता है ठीक है ये आपका स्नैरियो है ना अगर अपना केस ये है कि मान लीजिए जिस रस्सी से ये बंधा हुआ था वो रस्सी टूट गई और अब ये पूरा ब्लॉक जो है ये पूरा आपके लिफ्ट अब नीचे आ रही है नीचे इसका अब एक्सेलेशन फ्री फॉल है एक्सलेशन आपका जियो हो जाएगा नीचे की साइड में उस केस में ये जो ब्लॉक आपका यहाँ पे है Right. ये क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर भी अब एक्सलेशन जो है वो जी दोनों का ही एक्सलेशन आपका जी हो जाएगा उस केस में जो आपका ब्लॉक है वो आपका रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू आपका चेंबर या लेफ्ट जो भी आपने नाम दिया है उस पर तो ये यहीं पे टिका रहेगा आगे नीचे मूव नहीं करेगा इनफैक्ट अगर इसको इस फ्रेम में देखेंगे तो ये मतलब यहाँ का ये दोनों एक साथ जी जी एक्सलेशन से नीचे आएंगे एंड हैंस रिमेन एट टॉप ऑफ द वेज ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर